सो है एवरीवन, वेलकम टू फैंटेसी इनसाइट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सेकेंड ओडीआई मैच खेला जाएगा उसका ड्रीम इलेवन प्रोडिक्शन के बारे में। मैं आप लोगों को सारे डिटेल्स के बारे में बताऊंगा, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, रिसेंट फॉर्म, स्मॉल लीग में किसको लेना है, ग्रैंड लीग में किसको पिक करना है एज अ गेम चेंजर प्लेयर्स एंड किसको ड्रॉप करना है, सारे डिटेल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड पिछला जो मैच था, पिछले मैच में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा विनिंग किया था क्योंकि मेरा जो गेम चेंजर प्लेयर था, थ्री गेम चेंजर प्लेयर मैंने आप लोगों को बताया था उस मैच में, एडम जाम्पा, उसके बाद सूर्य कुमार यादव एंड शॉन एबॉट। एडम जाम्पा एंड सूर्य कुमार यादव को किसी ने पिक नहीं किया, मैंने जितने भी लीग ज्वाइन किया था उसमें किसी टीम में भी एडम जाम्पा एंड सूर्य कुमार नहीं था क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी एंटीसिपेट किया था शायद सूर्य कुमार यादव का बैटिंग ना आए एंड परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहा था, बट मैंने प्रेडिक्शन किया था कि इस मैच में गेम चेंजर हो सकता है एंड उस मैच में गेम चेंजर हुआ एंड एडम जाम्पा एंड सूर्य कुमार यादव दोनों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था एंड हम लोगों की अच्छा खासा विनिंग हो गया था उस मैच में। एंड इस मैच में कौन कौन से प्लेयर्स आप लोगों के लिए गेम चेंजर होगा एंड उसी के साथ साथ कैप्टेंसी या वाइस कैप्टेंसी का बेस्ट ऑप्शन क्या है, कौन सा प्लेयर्स को आप लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा स्मॉल लीग में, सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड लेकिन उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर लेना ताकि मैं जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड आगे वर्ल्ड कप आने वाला है एंड वर्ल्ड कप में भी हम लोग काफ़ी अच्छी विनिंग करने वाले हैं, सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, सो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर से कर लेना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। सो ये पिच रिपोर्ट जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, देख लो। सो ये मैच खेला जाएगा होलकर स्टेडियम इंदौर पर और यहाँ का जो पिच है, यहाँ का जो ग्राउंड का डायमेंशन है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, सो यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिल सकता है। अभी रिसेंट मैचेस का परफॉर्मेंस भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले देख लो, यहाँ पर टोटल सिक्स ओडीआई मैचेस खेला जा चुका है जिसमें फोर फास्ट बैटिंग करने वाली टीमों ने विन किया है फोर मैच एंड सेकंड बैटिंग करने वाली टीमों ने टू मैचेस को विन किया है। सो रिकॉर्ड से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पाता बट ये हाई स्कोरिंग वेन्यू है, देख लो 300 के अबव यहाँ पर दो बार स्कोर हुआ है एंड 250 से लेकर 299 के बीच में थ्री टाइम स्कोर हुआ है सिक्स मैच में से। सो मान के चलो जो ये मैच होगा इस मैच में 250 से 280 से ऊपर ही हमें स्कोर देखने को मिलेगा, 300 प्लस हमें स्कोर देखने को मिल सकता है इस मैच में। एंड इस पिच पर जो रिसेंट मैच हुआ था उसका रिकॉर्ड सबसे पहले देख लो, साल के शुरुआत में हुआ था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो ओडीआई सीरीज हुआ था उसमें देख लो ये इसी पिच पर एक मैच खेला गया था जिसमें इंडिया ने फास्ट बैटिंग करते हुए 385 रन स्कोर किया था एंड न्यूजीलैंड 295 पर ऑल आउट हो गया था, उसमें शुभमन गिल ने सेंचुरी किया था एंड देख लो उसमें पेसर्स को मिला था 11 विकेट एंड स्पिनर्स को मिला था 6 विकेट। सो स्पिनर्स को यहाँ पर थोड़ा कम विकेट मिल सकते क्योंकि बाउंड्री डायमेंशन बहुत छोटा है एंड बहुत ही फ्लैट पिच है, सो यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। एंड उससे पहले एक और मैच खेला गया था 2017 को, देख लो 24 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच में जिसमें ऑस्ट्रेलिया फास्ट बैटिंग करते हुए 293 रन स्कोर किया था एंड इंडिया ने उस टोटल को चेस कर लिया था 5 विकेट से, इंडिया वो मैच भी जीत गया था, उसमें पेसर्स को 7 विकेट एंड स्पिनर्स को 4 विकेट मिला था, तो उसमें भी पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिला था। इसमें मैं आप लोगों को बताऊँ तो कौन से बॉलर को ज़्यादा विकेट मिलेगा, जो हिट द डेक बॉलिंग करता है, जो स्लोअर एंड कटर का इस्तेमाल करता है उस बॉलर को ज़्यादा विकेट मिल सकता है। सो उस तरीके का बॉलर्स है ऑस्ट्रेलिया के टीम में, कौन सा बॉलर्स है आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो आप देख लेते सबसे पहले इंडिया का पॉसिबल प्लेइंग 11। सो इंडिया की अगर पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें, देख लो पिछले मैच में जो प्लेइंग 11 था वही देख लो, एक दो चेंजेस हो सकता है बॉलिंग में। बैटिंग की अगर बात करें, ओपनिंग करने अगर शुभमन गिल के साथ ऋतुराज गायकवाड़, नंबर 3 श्रेयस अय्यर, नंबर 4 केएल राहुल, उसके बाद ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर एंड जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज, ये होगा इंडिया का प्लेइंग 11। अब मैं हर एक प्लेयर्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कौन से प्लेयर्स आपको रखना है एंड कौन से प्लेयर्स आपको ड्रॉप करना है। सबसे पहले देख लो गायकोट की अगर बात करें, देख लो पिछले मैच किया था काफ़ी अच्छा किया था गायकोट का, मैं गायकोट को लेने वाला था बट एंड में मैंने ड्रॉप कर दिया था। सो देख लो रिसेंट अगर ओडीआई सीरीज की बात करें तो रिसेंटली 71 रन स्कोर किया था, उससे पहले 58 रन स्कोर किया था आयरलैंड के अगेंस्ट। सो रिसेंट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है गायकोट का, काफ़ी कंसिस्टेंट प्लेयर्स है, स्मॉल लीग में चाहो तो पिक करके चल सकते हो, अगर फास्ट बैटिंग करता है सो इसको पिक करने का रिस्क आप लोग ले सकते हो, बट फिलहाल के लिए मैं अपनी टीम में गायकोट को नहीं रख रहा हूँ। शुभमन गिल की अगर बात करें तो इसको आप लोग पिक कर लेना अपने टीम में, इसका रिसेंट परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, हेड टू हेड में 32 का एवरेज है एंड इस पिच पर स्पेशली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस का आता है शुभमन गिल। सो इस पिच के लिए शुभमन गिल काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहता है, इसको पिक जरूर कर लेना एंड कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। श्रेयस अय्यर की बात करते हो, श्रेयस अय्यर इस मैच में गेम चेंजर होने वाला है आप लोगों के लिए, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकता है इस मैच में, 30+ रन इसको जरूर करेगा। सो ओवरऑल 21 का एवरेज है, रिसेंट परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, पिछले मैच में रन आउट हो गया था। सो
इस मैच में अच्छा कर सकता है, श्रेष्ठ है, इसको मैं पिक कर सकता हूँ। अगर पहले बैटिंग का है तो मैं पिक करूँगा, सेकंड बैटिंग में भी मैं पिक कर सकता हूँ। सेकंड बैटिंग में मैं किसी और प्लेयर्स को ड्रॉप कर दूंगा, श्रेष्ठ अय्यर को मैं अपने टीम में जरूर रखूंगा। के एल राहुल की अगर बात करें, के एल राहुल का भी रिसेंट परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, पिछले मैच में 58 रन स्कोर किया था, ओवर हेड टू हेड में 44 का एवरेज है। एंड फास्ट बैटिंग में के एल राहुल भी वाइस कैप्टनसी का बेस्ट ऑप्शन है, के एल राहुल को आप लोग वाइस कैप्टन बना सकते हो अगर आप लोग चाहते हो। उसके बाद सूर्य कुमार यादव की अगर बात करूँ, इंडिया अगर फास्ट बैटिंग का था इस पिच पर स्पेशली, सूर्य यादव आपके लिए ट्रम्प कार्ड हो सकता है। 4 मैचों में 12 का एवरेज है सिर्फ हेड टू हेड में। एंड रिसेंट फॉर्म देख लो, पिछले मैच में 50 रन स्कोर किया था, मेरा टीम में गेम चेंजर था। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम में ज्वाइन किया हो तो आप लोगों को पता होगा। सो इस मैच में मैं सूर्य कुमार को पिक करने वाला हूँ। रविंद्र जडेजा एंड रवि अश्विन दोनों में से किसी एक को ही मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली मैं जडेजा के साथ जाने वाला हूँ, क्योंकि बैटिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं। फास्ट बैटिंग में मैं जडेजा के साथ ही जाऊंगा, इंडिया अगर पहले बैटिंग करता है। काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, पिछले मैच में रिसेंट परफॉर्मेंस किया था, 1 विकेट लिया था, 3 रन स्कोर किया था। एंड रवि अश्विन का पिछले मैच में सिर्फ 1 विकेट लिया था, रिसेंट परफॉर्मेंस किया था, उतना अच्छा नहीं किया था। आप लोग ड्रॉप करके चल सकते हो, अभी के लिए मैं अश्विन को ड्रॉप कर रहा हूँ। शार्दुल ठाकुर को मैंने प्रोडिक्शन दिया था पिछले मैच में, 1 भी विकेट नहीं ले पाएगा। एंड पिछले मैच में बहुत ज़्यादा फ्लॉप गया था, हालांकि एक कैच छूट गया था श्रेयस अय्यर से, बट फिर भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, बहुत एक्सपेंसिव साबित हुआ था। जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद शमी दोनों इंपॉर्टेंट होने वाला है। फास्ट बॉलिंग में आप लोग दोनों को पिक कर सकते हो, बट मैं दोनों में से किसी एक को ही लेने वाला हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली मैं बुमराह के साथ जाऊंगा इस मैच में, हालांकि पिछले मैच में शमी ने काफ़ी अच्छा बॉलिंग किया था, बट पिछले मैच में मैंने बुमराह के साथ गया था। एंड इस मैच में मैं बुमराह के साथ ही जाऊंगा। एंड इंडिया की अगर बॉलिंग की बात करें तो देख लो, पिछले मैच में शमी ने फुल 10 ओवर बॉलिंग किया था, 5 विकेट लिया था। जसप्रीत बुमराह 10 ओवर 1 विकेट लिया था। उसके बाद शार्दुल ठाकुर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, 78 रन कंसीडर किया था, 1 भी विकेट नहीं ले पाया था। उसके बाद रवि अश्विन एंड रविंद्र जडेजा दोनों 1-1 करके विकेट लिया था। एंड यही 5 बॉलिंग के साथ ही गया था इंडिया पिछले मैच में। सो इनका यही बॉलिंग हो सकता है इस मैच में भी। एंड आप बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11 देखो, ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 में चेंजेस हो सकता है। मिचेल स्टार्क एंड ग्लेन मैक्सवेल इस मैच में वापस आ सकता है, वो मैं आप लोगों को बाद में अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए पिछले मैच का उनका जो प्लेइंग 11 था, ओपनिंग में डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, नंबर 3 स्टीव स्मिथ, उसके बाद मानस लाबुशेन, कैमरन ग्रीन, जॉश इंग्लिश, मार्कस स्टोनिस, शॉन एबर्ट, एंड बॉलिंग में मैट शॉट, एडम जंपा एंड पैट कमिंस। सो यहाँ पर देख लो, मैट शॉट के प्लेस पर ग्लेन मैक्सवेल वापस आ जाएगा। एंड मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर शॉन एबर्ट के प्लेस पर, शॉन एबर्ट मुझे लगता है ये मैच खेलेगा। मिचेल स्टार्क का अभी कंफर्म नहीं है, वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, अगर आता है तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। सो ये है ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11। अभी मैं हर एक प्लेयर्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। देख लो, सबसे पहले डेविड वार्नर, पिछले मैच में डेविड वार्नर ने हाफ सेंचुरी किया था, अच्छा परफॉर्मेंस किया था। एंड इस मैच में डेविड वार्नर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, स्पेशली फास्ट बैटिंग में एंड सेकंड बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है इस ग्राउंड पर। सो डेविड वार्नर को पिक करके चल सकते हो। एंड मिचेल मार्श को भी आप लोग पिक करके चल सकते हो, पिछले मैच में मिचेल मार्श फ्लॉप गया था। सो दोनों ओपनर्स अच्छा कर सकते हैं, अगर फास्ट बैटिंग करता है दोनों ओपनर्स के साथ भी आप लोग जा सकते हो चाहो तो। बट मैं दोनों में से किसी एक को ही पिक करने वाला हूँ। मोस्ट प्रॉब्लम है मिचेल मार्श को ही पिक करूंगा इस मैच में। स्टीव स्मिथ मेरा टीम में रहेगा, मास्ट पिक ऑप्शन है। देख लो, पिछले मैच में 41 रन स्कोर किया था, मेरा कैप्टन था। एंड ओवरऑल हेड टू हेड में 57 का एवरेज है, सो काफ़ी अच्छा प्लेयर है, इसको पिक जरूर कर लेना। कैमरन गिन इस मैच में मेरा ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा, पिछले मैच में एवरेज परफॉर्मेंस गया था, इस मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। पिछले मैच में कोई भी विकेट नहीं मिला था, स्पेशली अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है। सो कैमरन ग्रीन को आप अपने स्मॉल लीग की टीम में जरूर रख लेना, बैटिंग से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है इस स्मॉल ग्राउंड पर। कैमरन ग्रीन एंड मार्कस स्टोइनिस भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले देखो जॉर्ज इंग्लिश को मैं अभी पिक नहीं कर रहा हूँ, हालांकि पिछले मैच में 45 रन स्कोर किया था, बट इस मैच में मुझे लगता है फ्लॉप जाएगा जॉर्ज इंग्लिश, सो इसको मैं अभी नहीं ले रहा हूँ अपने टीम में। मार्कस स्टोइनिस को मैं रखूंगा अपने टीम में। शॉन एबर्ट को मैं बॉलिंग के अकॉर्डिंग रखूंगा, अगर फास्ट बॉलिंग करता है तो मैं शॉन एबर्ट को पिक करके चल सकता हूँ एज अ ट्रम्प कार्ड। अभी के लिए मैं शॉन एबर्ट को भी ड्रॉप करके चलूंगा। एंड उसके बाद बॉलिंग की अगर बात करें तो एडम जंपा पिछले मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 2 विकेट लेके दिया था, मेरे टीम में था। सो इस मैच में मैं एडम जंपा को फास्ट बॉलिंग में रख सकता हूँ, सेकंड बॉलिंग में ड्रॉप कर सकता हूँ, क्योंकि इस ग्राउंड पर परफॉर्मेंस थोड़ा लो जा सकता है स्पिनर्स का। मैट शॉट को मैं ड्रॉप कर दूंगा, मैट शॉट मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेगा। एंड पैट कमिंस को भी मैं शायद ड्रॉप करके चल सकता हूँ इस मैच में। अगर ऑस्ट्रेलिया फास्ट इनिंग्स में बॉलिंग करता है तो मैं रख सकता हूँ। एंड ग्रैंड लीग की एक दो टीमों में हम लोग ट्राई कर सकते हो पैट कमिंस में, एंड स्मॉल लीग में इसको ड्रॉप करके चलना। एंड बेंच प्लेयर्स की बात करें, नेथन एल्स, टी संका, जॉश रेजोल्यूट, एलेक्स कैरी एंड ग्लेन मैक्सवेल बेंच में रहेगा। अगर कोई खेलता है आप लोगों को मैं अपडेट दे दूंगा अपनी टीमों का। पिछले मैच में देख लो, बॉलिंग की अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, पैट कमिंस ने फुल 10 ओवर्स बॉलिंग किया था, सिर्फ 1 विकेट ले पाया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ग्रैंड लीग में इसको ट्राई करना, वाइस कैप्टनसी का अच्छा ऑप्शन है। स्मॉल लीग से ड्रॉप कर देना, इजिली ड्रॉपेबल है। शॉन एबर्ट को स्मॉल लीग में पिक कर सकते हो अगर ऑस्ट्रेलिया फास्ट बॉलिंग करता है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से समझना। उसके बाद कैमरन ग्रीन को भी पिक कर लेना, मास्ट पिक ऑप्शन है। एंड मैट शॉट की अगर बात करें, इसको ड्रॉप कर देना। एडम जंपा
चापा को पीके के चाल सकते हो फास्ट बॉलिंग में, मार्कस टोनिस को पीक कर सकते हो फास्ट बॉलिंग में एंड सेकंड बॉलिंग में भी इसको रख सकते हो अपने टीम में, काफी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। कैमरन गिन एंड मार्कस टोनिस में से किसी एक को आप लोग अपने टीम में जरूर रखना। आप बात कर रहे थे गेम चेंजर प्लेयर्स की, इस मैच में कौन कौन से प्लेयर्स आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग में गेम चेंजर हो सकते हैं एंड स्मॉल लीग में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकता है। ग्रैंड लीग की गेम चेंजर की बात करें, कैमरन ग्रीन गेम चेंजर हो सकता है, उसके बाद श्रेयस अय्यर का मुझे लग रहा है इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं फास्ट बैटिंग में, एंड ईशान किशन भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं फास्ट बैटिंग में। सो ये तीनों रहेगा मेरा गेम चेंजर, इन तीनों में से दो प्लेयर्स को आप लोग अपनी टीम में रख के चल सकते हो ग्रैंड लीग के, एंड स्मॉल लीग में भी ट्राई करके चल सकते हो। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो मोस्ट प्रॉब्लम मैं रखूंगा किसी को अपने स्मॉल लीग के टीम में। सो ये मेरा गेम चेंजर प्लेयर्स होगा। आप बात कर रहे थे मेरे कुछ प्रोडिक्शन के बारे में, पिछले मैच में मेरा प्रोडिक्शन काफी सही गया था, इस मैच का प्रोडिक्शन देख लो। सबसे पहला मेरा प्रोडिक्शन है शुभमन गिल एंड ऋतुराज गायकवाड़, दोनों में से कोई एक 50 प्लस रन स्कोर करेगा इस मैच में। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि शुभमन गिल करेगा बट ऋतुराज गायकवाड़ भी कर सकता है, तो दोनों में से किसी एक को अपने टीम में जरूर रखना। केएल राहुल इस मैच में 30 प्लस रन स्कोर करेगा, जॉर्ज इंग्लिश इस मैच में फ्लॉप जाएगा, उसके बाद स्टीव स्मिथ इस मैच में 35 प्लस रन स्कोर जरूर करेगा, कैमरन गिल इस मैच में 40 प्लस पॉइंट देगा आप लोगों को ड्रीम इलेवन पर। सो मास्ट पिक ऑप्शन है। बुमराह का देख लो, फास्ट इनिंग्स में अगर बॉलिंग करते दो विकेट लेगा इस मैच में, पिछले मैच में कहा था दो विकेट लेगा बट एक विकेट लिया था सिर्फ, एंड इस मैच में दो विकेट ले सकते हैं। उसके बाद मेरा पोजीशन नंबर 7 की अगर बात करते हो, मिचेल मार्श एंड डेविड वॉर्नर दोनों मिलकर इस मैच में 60 प्लस रन की पार्टनरशिप करने वाले हैं इस मैच में। सो इस बात का ध्यान रखना। श्रेष्ठ अय्यर इस मैच में 25 प्लस रन स्कोर करेगा, सूर्य कुमार यादव फास्ट बैटिंग में इस मैच में 30 प्लस रन स्कोर कर सकता है, उसके बाद शॉन एबर्ट एंड मार्कस टोनिस दोनों मिलकर इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करता है तो। तो यह है मेरा इस मैच का प्रोडिक्शन, एंड मेरे प्रोडिक्शन काफ़ी अच्छा सही जा रहा है, इस मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस देख लो, सबसे पहले मेरा टीम देख लो, मेरा अगर टीम की बात करें देख लो, एक सेकंड मैं टीम निकाल लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो देख लो विकेट कीपिंग से मैंने लिया है यहाँ पर केएल राहुल को, केएल राहुल के साथ ही मैं जाऊँगा, इसको चेंज नहीं करूँगा। बैटिंग की अगर बात करें, स्टीव स्मिथ को मैंने कैप्टन क्रिएट किया है, मिचेल मार्श श्रेयस अय्यर एंड शुभमन गिल को रखा है, श्रेयस अय्यर को मैंने एज अ गेम चेंजर प्लेयर रखा है इस मैच में। मोस्ट प्रॉब्ली अगर पहले बैटिंग करते हैं तो मैं स्काई को भी पिक कर सकते उसके प्लेस पर, बट श्रेयस अय्यर लग रहा है इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा को रखा है, अश्विन को ड्रॉप कर दिया है, मार्कस टोनिस एंड कैमरन ग्रीन दोनों को रखा है मैंने, बॉलिंग में मोहम्मद शमी एडम जंपा एंड जसप्रीत बुमराह को पिक किया अपनी टीम में। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करते हैं सो मैं यहाँ से शामी को ड्रॉप करके शॉन एबर्ट को भी पिक कर सकते हो, वो भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। सो ये मेरा बेस्ट टीम है, एंड वाइस कैप्टन मैंने कैमरन ग्रीन को किया है, मोस्ट प्रॉब्ली यही मेरा वाइस कैप्टन रहेगा इस मैच में, काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकता है। सो ये मेरा टीम है अभी के लिए, बाद में जो भी चेंजेस करूंगा आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा, सो फॉलो कर लेना। एंड कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देख लो, अभी शुभमन गिल स्टीव स्मिथ बुमराह एंड केएल राहुल होगा आप लोगों के लिए स्मॉल लीग में सेफ कैप्टन एंड वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन। अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हो सो यहाँ पर रिस्क की पिक में से भी वाइस कैप्टन को पिक कर सकते हो। सो देख लो ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, मार्कस टोनिस, श्रेयस अय्यर, ग्लेन मैक्सवेल अगर खेलता है, कैमरन ग्रीन एंड मार्नस लाबुशेन वाइस कैप्टनसी का काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सो अगर आप लोग ग्रैंड लीग में या फिर 6 टीम या फिर 10 टीम क्रिएट कर रहे हो सो ये जो ग्रैंड लीग का मैंने कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन आप लोगों को दिया है, इन प्लेस में से ही आप लोग कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चूज करना अपने टीम का, क्योंकि जो ड्रीम टीम का जो सीबीसी निकलने वाला है वो यही से निकलेगा। सो ये जो ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताया इन ऑप्शन में से ही आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना, एंड बाकी प्लेयर्स को आप लोग चेंजेस कर सकते हो। सो ये रहा मेरा आज का वीडियो का प्रोडिक्शन, एंड फाइनल टीम आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सो टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लेना, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।